बहुत जोर से ताली बजा दी। अब हम लोग इस कहानी के लास्ट सीन की तरफ हैं। थोड़ा मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझ पा रहा हूँ कि आपको मैंने अलग जगह पे बिठा दिया मच्छर की वजह से। जो थोड़ा एक बार फिर से जिनको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार थोड़ा ट्यूब दे दें, पाँव में लगा लेंगे। बस 7 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट का ये दृश्य है। उसके बाद ये लड़का जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ क्या पढ़ाई करते हैं? मास्टर। कितने पैसे खर्च होते हैं आपकी पढ़ाई पर, आपको कुछ आइडिया है? साल भर में 10 से 20 हजार ज्यादा हो जाता है। और ये पैसे आप खुद अर्न करते हैं? ये लड़का अपने पापा के पास गया और पापा को जाकर बोला कि पापा किताबें खरीदनी है, 180 रुपए की दोनों किताबें आ जाएंगी 180। और इसके पापा ने इसको बोला कि अगर आगे से मेरे पास ये फालतू की बात लेकर आएगा, तेरा बैग उठा के घर के बाहर फेंक। आपके पापा ने कभी ऐसा बोला? आपके पिता के जिस घर में आपका जन्म हुआ, अगर आपका जन्म इस घर में नहीं हुआ होता, ये आपके जो अभी आपके मम्मी पापा हैं, अगर ये आपके अभी मम्मी पापा नहीं होते, आपका जन्म भी ऐसे ही किसी परिवार में हुआ होता, क्या आज इस समय आप यहाँ बैठकर ये नाटक देख रहे हो? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, स्टूडेंट यहाँ पर हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 से 7 मिनट का ये दृश्य है। हालांकि ये कहानी आपकी नहीं है, ये कहानी किसी और की है, पर इस कहानी के अंदर ही आपकी एक छोटी सी कहानी, अगर हो सके अपनी कहानी को ढूंढने की कोशिश करें। क्लास 10 में इस लड़के का रिजल्ट निकला तो सुबह सुबह स्कूल पहुंचा तो मालूम पड़ा कि लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है। न्यूज़पेपर के ऊपर एक फोटो पब्लिश हुआ जिसके ऊपर इसका नाम, इसके पिताजी का नाम 98.5%। बैग उठाया और घर की तरफ भागना शुरू किया क्योंकि इसे पता था कि अभी 15 मिनट के बाद पिताजी चले जाएंगे। और ये सोचता था कि अगर मैं पिताजी को सबसे पहले ये न्यूज़पेपर दिखाऊंगा, ये फोटो दिखाऊंगा, तो पिताजी बहुत खुश होंगे और जब वो खुश होंगे तब मैं पापा से कहूंगा, पापा 2 दिन के बाद 11 क्लास का एडमिशन है, उसके लिए 550 रुपए स्कूल में जमा करवा दें।